बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 30 बार हमले किए हैं 24 घंटे में। यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन यहां पर दागे हैं। यूक्रेन के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी। तो ये बता दें आपको, यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन से ये हमले किए हैं और बताया जा रहा है कि इस हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। तो यूक्रेनी सेना को न सिर्फ नेटो ने रूसी धरती पर हमले की छूट दे दी है बल्कि उसे हथियारों की नई खेप भी भेज दी है। इसी के बाद यूक्रेन का ऑपरेशन क्रिमिया शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने क्रिमिया में जिस तरह से हमला किया उससे क्रिमिया से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 4 युद्धपोत और 7 बोट को डुबो दिया है। यूक्रेन इन हमलों को अंजाम क्रिमिया में मौजूद अपने एजेंट्स के जरिए दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूस यूक्रेन के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहा, तो सवाल यही है कि क्या क्रिमिया रूस के हाथ से निकलने वाला है। 2 दिन यानी 48 घंटे से क्रिमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग लगी हुई है। रूस तबाही की आग बुझा भी नहीं पाता है कि अगले दिन क्रिमिया फिर बारूदी ज्वाला में घिर जाता है। यूक्रेन ब्लैक सी से लेकर कर्च ब्रिज तक जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमलों में अचानक तब तेजी आ गई जब नेटो के 14 देशों ने ज़ेलेंस्की सेना को उनके हथियारों से रूसी धरती पर हमले की अनुमति दे दी। इसी के बाद से क्रीमिया में यूक्रेनी सेना अनिष्ट कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया में जिस तरह से ऑल राउंड अटैक किया है उससे क्रेमलिन दहल गया है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में 40 से ज्यादा धमाके किए जिससे रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म पहुंच गया। आधी रात को क्रीमिया पोर्ट पर विध्वंसक हमला कर यूक्रेन ने रूसी नौसेना के पेट्रोलिंग बोट को जला दिया। कर्ज ब्रिज पर हमला कर उस क्रॉसिंग को तहस नहस कर दिया जहां से फेरी गुजरती थी। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में इतना भीषण हमला किया कि क्रीमिया में मिसाइल हमले का सायरन बजने लगा। यूक्रेन के एजेंट टारगेट पर क्रीमिया का रेलवे स्टेशन, पावर ग्रिड, रडार स्टेशन और डिफेंस सिस्टम था जिससे वो ध्वस्त करने वाले थे, लेकिन एफएसबी ने यूक्रेन के इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में यूक्रेन का एक एजेंट मारा गया जबकि दूसरे को एफएसबी ने गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन क्रीमिया के स्टेशन को तो नहीं उड़ा पाया लेकिन उसने क्रीमिया में जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए रूस के फाइटर जेट को 3 घंटे में 32 बार उड़ान भरनी पड़ी। रूस ने यूक्रेन की कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया लेकिन यूक्रेन के कई हमले सफल हो गए। यूक्रेन के कुछ ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। तो यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया को किस तरह से दहला दिया आप उसे समझिए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने, आपको बता दें, ATACMS कैल्प, स्टॉर्म शैडो और नेपच्यून मिसाइल, साथ ही मागुरा ड्रोन से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हमला यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से किया।
क्रीमिया के लोगों का कहना है कि उन्होंने आधी रात को करीब 40 धमाकों की गूंज सुनी। अब ये भी समझिए कि यूक्रेन के ये हमले रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 7 बोट को तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में ही रूस के 4 युद्धपोत को भी इस हमले में टारगेट किया गया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूस के युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर बने कर्च फेरी क्रॉसिंग पर जोरदार धमाका किया। हमले की वजह से यह क्रॉसिंग बर्बाद हो गई है। यहीं पर यूक्रेन ने रूस की 4 फेरी को भी जलाकर भस्म कर दिया है। इसके अलावा क्रीमिया में रूस के 2 ऑयल डिपो और 1 पावर स्टेशन पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद से क्रीमिया पूरी तरह से दहल गया। रूस के लिए चिंता की बात सिर्फ क्रीमिया में यूक्रेन के हमले ही नहीं है, बल्कि क्रीमिया में एक्टिव यूक्रेन के वो मॉड्यूल हैं जो क्रीमिया में बड़ी तबाही मचाने की ताक में बैठे हैं। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन के 5 मॉड्यूल सक्रिय थे। 1 मॉड्यूल का तो पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन यूक्रेन के 4 मॉड्यूल तक एफएसबी अब तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में क्रीमिया पर किसी भी वक्त बहुत बड़े विनाश का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के साथ साथ रूस के आधा दर्जन शहरों में विस्फोट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद ऑयल डिपो धू धू कर जल गया। रूस के कुबान में यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 29 ड्रोन और 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस के नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने पावर स्टेशन पर बड़ा धमाका किया। हमले के बाद पावर स्टेशन ध्वस्त हो गया। यूक्रेनी हमलों से भड़के रूस ने ब्लैक सी से हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर करीब करीब हर मोर्चे से हमले हो रहे हैं। युद्ध के मैदान में यूक्रेन भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। रूस के हमलों का यूक्रेन विध्वंसक अंदाज में जवाब दे रहा है। खेरसोन में यूक्रेनी हमले में रूस के 2 सैन्य वाहन जलकर भस्म हो गए। जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की नई खेप सप्लाई करने जा रहा है। माना जा रहा है कि नेटो देशों के हथियार आने के बाद यूक्रेन के हमले और तेज होंगे। युद्ध की ये आग एटमी ज्वाला में भी तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।